हेलो दोस्तों रंजना किचन में आपका स्वागत है आज मैं आपको अनियन फ्लैट पकौड़ा बताने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने प्याज को पतला और लंबा काट कर ले लिया है इसमें बेसन डाल देंगे अब हम यहाँ पर थोड़े मसाले ऐड करेंगे तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अजवाइन जीरा दो हरी मिर्च को बारीक काट कर और हल्दी ले लिया है एक चौथाई चम्मच के करीब नमक डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक सेमीथिक बैटर तैयार कर लेंगे ये हमारा मिक्सर तैयार हो गया है अब एक बाउल में पानी लेंगे पानी को हाथों में लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा मिक्सर हाथ में लेकर दूसरे हाथ से ऐसे फ्लैट करते हुए हमें फ्लैट पकौड़ा बना लेना है इस तरह से देख लीजिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करके ले लिया है तेल गरम होते ही एक एक करके इसमें सारे पकौड़े डाल देंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एक तरफ से पक गए हैं हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी पकने देंगे फ्लेम को यहाँ पर लो मीडियम रखना है इसी तरह से हम इसे दोनों तरफ से उलट पलट कर पका लेंगे ये हमारे कितने अच्छे पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं अब सारे पकौड़ों को मैं प्लेट में निकाल देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो ये हमारे मज़ेदार प्याज के पकौड़े बनकर तैयार हैं। इस तरह से बनाने से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं तो आप भी इस तरह से प्याज के पकौड़े बनाइए और खाइए